बक्सर के चौसा में हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। एक बार फिर किसानों और पुलिस के बीच हुए आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन में कुल 11 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए बक्सर सदर अस्पताल लाया गया है। डॉक्टर ने बताया कि सभी को चोट लगी है, हालांकि किसी भी पुलिसकर्मी को गंभीर चोटें नहीं आई। बक्सर की घटना को लेकर सीएम पर साधे गए केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे के बयान पर बिहार का सियासी माहौल गर्मा गया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने कहा कि सरकार जाने से बीजेपी के नेता बौखला गए हैं। अब ये लोग किसियानी बिल्ली खंभा नोचने वाला स्थिति है। सत्ता हाथ से फिसल गई, नीतीश जी अलग हो गए, महागठबंधन की सरकार बन गई, तो अपना अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। बक्सर में हुए लाठीचार्ज पर नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने निशाना साधा है। विजय सिन्हा ने कहा कि बिहार में गुंडा राज है, लेकिन नीतीश कुमार जनता राज बता रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, इस गुंडा राज को जनता राज बता रहे हैं और आधी रात घर में घुसकर पुलिसिया जुल्म और कहर जिस तरह से बरपा है, महिलाओं की चित्कार जिस तरह से सुनाई पड़ रही है, ये कौन सा राज है मुख्यमंत्री जी? और बड़ी खबर मसौढ़ी से है, जहां एक मस्जिद के इमाम पर चॉकलेट देने के बहाने नाबालिग बच्ची के साथ छेड़खानी का आरोप लगा है। इसके बाद लोगों ने आरोपी इमाम को जमकर पीटा और आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया है। फिलहाल आरोपी इमाम पुलिस कस्टडी में है। छेड़खानी का मामला मसौढ़ी थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां से मसौढ़ी पुलिस ने मस्जिद के इमाम को छेड़खानी के आरोप में गिरफ्तार किया। आरोपी इमाम का नाम फिरोज आलम है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पर आरोप है कि 12 साल की बच्ची के साथ आप छेड़खानी की। वो सब फंसाने का बहाना क्या है? पपीता कल भी मांगा हमने, जा आज भी दरवाजा खुल गया, धूप में खड़े बच्चे मस्जिद के गेट पर का दरवाजा, हमारे अंदर में धूप नहीं आता है।